अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, बच्चों के लिए सबक आमोज कहानियाँ हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। हम इंशाल्लाह नई कहानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कहानी से पहले हम सवाल और जवाब करेंगे ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनकी मालूमात का पता चल सके कि बच्चों की कितनी मालूमात है। तो जवाब आप लोगों ने कमेंट में लिखना है और सवाल का नंबर भी साथ लिखना है कि कौन से नंबर का ये आप जवाब दे रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सवाल नंबर एक, हम दिन में कितनी मर्तबा नमाज पढ़ते हैं। सवाल नंबर दो, किस महीने में रोज़े रखना ज़रूरी है। सवाल नंबर तीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था। सवाल नंबर चार, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा का नाम क्या था। सवाल नंबर पाँच, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कमेंट में इसका जवाब देना है। अगर आप लोगों को इसके जवाब नहीं आएंगे तो हम फिर वीडियो के लास्ट में इनके जवाब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो का नाम है कैसा चला। आपने बहुत से जानवरों के किस्से और मालूमात सुनी होंगी, लेकिन आज आपको एक अजीब जानवर का हाल सुनाते हैं। इससे पहले आपको उसके बारे में कुछ मालूमात भी हों तो बेहतर है। तो सुनिए, ये एक दुबला पतला जानवर है। ये चूहों, सांपों और मगरमच्छों का दुश्मन है। मगरमच्छ उमूमन अपना मुंह खोले रखता है और ये उसके मुंह में घुसकर उसके पेट में पहुंच जाता है और उसकी आंतें काट देता है, फिर बाहर निकल आता है। हाँ, तो फिर आप इंतज़ार में होंगे कि आखिर ये कौन सा जानवर है। तो लीजिए, ये जानवर नेवला है। नेवला बहुत होशियार जानवर है। एक दफ़ा एक नेवला चूहे का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ा। चूहा अपनी जान बचाने के लिए एक दरख्त पर चढ़ गया, मगर नेवले ने उसका पीछा न छोड़ा और उसको पकड़ने के लिए वो भी दरख्त पर चढ़ गया। यहाँ तक कि चूहा दरख्त की चोटी पर चढ़ गया। जब उसको भागने का कोई रास्ता न मिला तो वो एक शाख का पत्ता मुंह में दबा कर लटक गया। नेवले ने जब चूहे की ये चलाकी देखी तो उसने अपनी मादा को आवाज़ दी। मादा उसकी आवाज़ सुनकर दरख्त के नीचे आई तो नेवले ने उस शाख को जिस पर चूहा लटका हुआ था काट दिया। शाख कटने से चूहा नीचे गिरा। गिरते ही मादा ने उसका शिकार कर लिया। नेवला चोर भी होता है। जब उसको सोने चांदी की कोई चीज़ मिलती है तो उसको उठाकर अपने बिल में ले जाता है। चोरी करने की आदत के साथ साथ ये ज़हीन भी बहुत होता है। एक दफ़ा एक शख्स ने नेवले का एक बच्चा पकड़ा और उसको पिंजरे में बंद करके एक ऐसी जगह रख दिया जहां उसकी माँ उसको देख सके। उसने अपने बच्चे को पिंजरे में बंद देखा तो बिल में गई और एक दिनार सोने के सिक्का ले आई और उसको पिंजरे के पास रख दिया। गोया ये उस बच्चे की रिहाई का फिदिया था।
और रिहाई का इंतज़ार करने लगी, मगर उस शख्स ने पिंजरा नहीं खोला। कुछ देर इंतज़ार करके नेवले की माँ अपने बिल में गई और एक दूसरा दिनार लाकर पहले दिनार के बराबर में रख दिया और फिर इंतज़ार करने लगी। मगर जब उसका बच्चा रिहा न हुआ तो फिर अपने बिल में गई और एक तीसरा दिनार लाकर पहले दो दिनार के बराबर में रख दिया। गर्ज इसी तरह उसने पांच दिनार लाकर जमा कर दिए, मगर उस पर भी उसका बच्चा रिहा न हुआ तो फिर वो अपने बिल में गई और एक खाली थैली लाकर उन पांचों दिनारों के पास रख दी। कुछ देर इंतज़ार करती रही, फिर भी शिकारी ने पिंजरा नहीं खोला तो दिनारों की तरफ लपकी। ये देखकर शिकारी ने तेज़ी से जाकर उन पर कब्ज़ा कर लिया और पिंजरा खोलकर उसके बच्चे को रिहा कर दिया। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, हमारे पहले सवाल का जवाब है, हम पांच नमाज़ें दिन में अदा करते हैं। सवाल नंबर दो था, किस महीने में रोज़े रखना ज़रूरी है? जवाब है, रोज़े रमज़ान में रखना ज़रूरी है। सवाल नंबर तीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला। सवाल नंबर चार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा का नाम क्या था? बीबी आमना। सवाल नंबर पाँच, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में पैदा हुए? मक्का में।